आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशिष्ठ स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा, अधीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो फिर से याद दिला देती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोज़ आप लोग देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे, अगर पसंद आती है। चलिए बात कर लेती हूँ आज के व्लॉग की। आज है सैटरडे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उसकी वजह से हमारे फरीदाबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, हर जगह वाटर लॉगिंग हो गई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया था सारे स्कूल्स को कि बच्चों के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं एक दिन के लिए। तो समायरा का जो हाफ ईयरली एग्जाम था तो वो आज हुआ है सैटरडे को। वैसे तो सैटरडे ऑफ ही होता है लेकिन आज हो गई थी। अभी आई है स्कूल से, लंच वंच हमने सब कर लिया है। तो चलिए आज बात कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग की। आज का व्लॉग मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग है कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे कि करवा चौथ आ रहा है तो आप अपने सूट्स कलेक्शन हमारे साथ शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने सारे स्कर्ट्स वाले सूट, एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे स्कर्ट वाले सूट हैं क्योंकि मुझे बहुत शौक है नॉर्मल सूट के साथ स्कर्ट बनवाने का। तो सारे तो देखिए नहीं हो पाएंगे, जितने मैक्सिमम मेरे से कवर हो जाएंगे वो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कमेंट कर देना जो सूट मेरे ऊपर आप लोगों को सबसे अच्छा लगे उसके बारे में मुझे बता देना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोल रही हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो थम्स अप ज़रूर छोड़ें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करती हूँ मैं आज के व्लॉग को आप लोगों के साथ। मैंने सूट्स निकाले हैं स्कर्ट वाले, अभी मैं एक एक करके आपको, आप लोगों के साथ इनकी लुक शेयर करूँगी कि क्या डिज़ाइन है, कैसे मैंने स्टिच करवाए हुए हैं। तो देखिए ये मतलब इनकी लुक शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे नए सूट नहीं हैं क्योंकि मैं शरारतों में नई कोरी चीज़ नहीं पहनती हूँ। ये मेरे सारे पुराने ही हैं लेकिन ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बनवाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं पहले सूट से, किसको करें किसको पहने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने फेवरेट सूट से जो कि है बनारसी सिल्क। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मतलब पिछली राखी पर दिया था, तो मैंने इसे स्कर्ट की लुक में बनवाया है। इसके साथ जो फैब्रिक आया था बॉटम का वो 2.5 मीटर था लेकिन उस फैब्रिक में से मैंने नहीं बनवाया, मैंने अलग से फैब्रिक लिया था। ये जो नीचे का है ये प्योर क्रेप है स्कर्ट और इसमें नीचे मैंने फ्रिल लगवा दी है। तो वाइन कलर का ये सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एकदम से एथनिक ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं, एकदम जैसे होता है ना कईयों को शौक होता है कि वो बहुत ही सोबर लुक देना चाहते हैं, तो ये सूट परफेक्ट है ऐसे लुक के लिए। इसको मैंने कैरी किया है बहुत ही मतलब पतली वन लाइनिंग मोटे मोटे स्टर्ट वाले नेकलेस के साथ। तो बताना मुझे कैसा लग रहा है मेरा ये वाला सूट, मुझे तो पर्सनली बोलूँ बहुत पसंद है, इसलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत इसी वाले सूट से की है। तो नेक्स्ट सूट है ये येलो कलर का, ये आप लोगों ने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे, मैंने पिछले साल इसकी रील फोटोज़ वगैरह अपलोड करी थी। करवा चौथ पर मैंने सुबह के टाइम ये पहना था। ये मुझे याद नहीं है, ये मैंने किसी पेज से ही लिया था, अभी एक साल हो गया है तो मैं भूल गई हूँ। तो येलो और पिंक तो मेरे अपने पर्सनल फेवरेट कलर हैं। इसमें जो बॉटम का फैब्रिक था वो येलो ही दिया हुआ था लेकिन मुझे स्कर्ट बनवानी थी क्योंकि स्कर्ट वाले सूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने 4.5 मीटर फैब्रिक लेके क्रेप का फैब्रिक लिया था और उसको टाई एंड डाई में डाई कराया था। और जो मैं स्कर्ट बनवाती हूँ ना, मेरी हर स्कर्ट में केन केन होता है, मतलब विदाउट केन केन मैं स्कर्ट बनवा ही नहीं सकती। केन केन मतलब फुलावट के लिए होता है। तो ये है मेरा येलो सूट। तो अब शुरुआत कर रही हूँ मेरा ये वाला सूट, मैरून कलर का है, मतलब वाइन कलर नहीं है, ये मरून कलर है, एकदम जो एकदम डार्क मरून कलर होता है ना। ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है, वेलवेट में है, बहुत 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 अच्छा लगता है इसका कलर,
मेरी मियाँ जी को भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो दुपट्टा है वो शिफॉन का दुपट्टा दिया हुआ था, लेकिन मैंने वेलवेट में शॉल की तरह इसका दुपट्टा बनवाया, पतली सी लेस लगवाई, नीचे स्कर्ट, उसमें केन केन और नीचे फिर फ्रिल। ये भी मैंने फैब्रिक ही लिया था, किसी पेज से नहीं लिया, ओल्ड की मार्केट से ही लिया था। तो ये है मेरा सूट। आप इनसे बहुत सारे लोग मुझे मेकअप के लिए भी बोल रहे थे कि मैं मेकअप कौन से प्रोडक्ट से करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो माय डियर फैमिली, यूट्यूब फैमिली, मैं बता दूँ कि मुझे मेकअप करना नहीं आता है। मैं बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो मैं अच्छे यूज़ करती हूँ, ताकि मेरी स्किन पर कोई उसे हार्म ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो उसका भी मैं एक अलग से एक दिन पक्का व्लॉग बनाऊँगी फॉर श्योर। तो नेक्स्ट सूट है ये मेरा पिंक कलर का, जो मैंने स्कर्ट के साथ ही बनवाया हुआ है। ये जॉर्जेट का कपड़ा है जिसपे रेशम के धागे का काम हो रखा है। दुपट्टा, मतलब ये पूरा मैंने फैब्रिक लिया था, कुर्ते का फैब्रिक अलग, स्कर्ट का फैब्रिक अलग और दुपट्टे का फैब्रिक अलग। इसको मैंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी के साथ पहना है, क्योंकि ग्रीन और पिंक का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ मेरे दो दुपट्टे हैं, एक येलो और दूसरा है पिंक कलर का। मतलब मैंने दो दुपट्टे बनवाए थे, तो आप मुझे बताना कि ये वाला सूट पिंक दुपट्टे के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ग्रीन दुपट्टे के साथ अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ये दोनों के साथ ही अच्छा लगता है। जब मैं बोर हो जाती हूँ तो पिंक ले लेती हूँ, नहीं तो येलो तो है ही। मतलब जब मैंने सूट बनवाया था तो मैंने इसे येलो सूट के येलो दुपट्टे के साथ बनवाया था, लेकिन बाद में पिंक बनवा लिया। नेक्स्ट है ये वाला प्याजी कलर का सूट, जो बहुत मेरे पास इतनी क्वेरी आई थी, इतने क्वेश्चन आए थे कि मैम आपने, दीदी ये कहाँ से लिया सूट। तो ये गिफ्टेड है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। ये प्रॉपर सूट ही था, मतलब 2.5 मीटर इसका कुर्ता था, 2.5 मीटर इसका बॉटम था, लेकिन मैंने इसका अलग से चिनॉन, जो चिनॉन फैब्रिक होता है प्योर चिनॉन, उसका मैंने 4.5 मीटर फैब्रिक लिया, स्कर्ट बनवाई, उसमें केन केन लगवाई, और इसका जो कुर्ता था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी तो ये मेरा अभी का ही सूट है, तो इसको मैंने, मतलब थोड़ा सा लूज़ हो गया है क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है ये। तो ये है सूट मेरा। तो नेक्स्ट है मेरा ये ड्रेस कह लीजिए या इसे सूट कह लीजिए, क्योंकि ये भी मैंने अलग अलग फैब्रिक लिए थे। इसमें साटन और जॉर्जेट की मिक्स स्कर्ट है, मतलब नीचे की तरफ। गुड्डू शोर मत मचाओ आज गुड्डू फिर शोर मचा रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये ऊपर जॉर्जेट है, नीचे साटन दिया हुआ है, ऊपर का जो है वो चिनॉन का फैब्रिक है, उस पर छोटा छोटा बूटी का काम हो रहा है। ये मैंने बनवाया है पिंक दुपट्टे के साथ। और ये है आज का लास्ट सूट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये सूट भी मेरा काफ़ी पुराना है और सबसे महंगा सूट है इन सारे सूट्स में, क्योंकि ये प्योर गोटा पत्ती और प्योर जॉर्जेट का सूट है। ये मेरी भाभी ने दिया था राखी पर मुझे। आई होप आप सबको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा ये जो मैंने कलेक्शन दिखाया है थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। जब मुझे और टाइम मिलेगा आने वाले ब्लॉग्स में, मैं और कुछ ना कुछ आपको शो करती रहूँगी अपने कलेक्शन में से, ताकि आपको करवा चौथ के लिए एक आइडिया हो जाए। करवा चौथ हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, तो सारे त्यौहार ही आ रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। और भी मैं कलेक्शन आप लोगों को जल्दी से जल्दी शो करूँगी। तो अगर मेरा ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब नवरात्रि वाले ब्लॉग में, और नवरात्रों के ब्लॉग में मैं एक स्पेशल बात आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि नवरात्रि में मैं हर नवरात्रि का एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। इसका मतलब है कि रोज़ ब्लॉग अब आने वाले हैं मेरे, डेली ब्लॉग में शूट करूँगी।
और डेली आप लोगों के सामने उसे प्रेजेंट करूंगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।